की बड़ी खबर, उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर बड़ी खबर। आज 13वां दिन है और आज भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 46.8 मीटर ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है और लगातार जद्दोजहद अभी भी जारी है। ऑपरेशन पर सीएम धामी की पहली नजर है, लगातार हालातों की जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार मशीन का यहां पर परीक्षण किया जा रहा है, मशीन को भी लेकर कहीं ना कहीं सतर्क टीम नजर आ रही है। टनल के बाहर 41 एम्बुलेंस और डॉक्टर मौजूद नजर आ रहे हैं। 4400 अस्पताल में भी मजदूरों के लिए 41 बेड तैयार किए गए हैं। जैसे ही ये मजदूर बाहर आते हैं, यदि कोई इमरजेंसी कंडीशन हुई तो स्टैंड बाय पर इन बेड्स को रखा जाएगा। अस्पताल में तमाम तैयारियां की गई है। तो देखिए ऑपरेशन सिलक्यारा, और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे, चार तस्वीरें। पहली तस्वीर, 13वें दिन में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आज आने वाली है अच्छी खबर, इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं नजरें बनी हुई है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां देखिए यहां पर परीक्षण भी किया जा रहा है और जो मशीन्स लगाई गई है, खासतौर पर ऑर्गन मशीन का परीक्षण लगातार किया जा रहा है। और चौथी तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की एक एक जानकारी ले रहे हैं, पैनी नजर बनाए हुए। तो आज क्या कुछ होने वाला है, आज का दिन बेहद ही अहम रहने वाला है। आज ये संभावना जताई जा रही है कि कुछ ना कुछ अच्छी खबर हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर के। और ऑपरेशन सिलक्यारा लगातार जारी है, रेस्क्यू टीम लगातार जुटी हुई है। 13वां दिन है आज और लगातार 41 जिंदगियों को बचाने की मुहिम जारी है। और ये जो मेगा कवरेज है न्यूज स्टेट की, पल पल के अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। और ऑपरेशन सिलक्यारा को लेकर देखिए किस तरीके से जिंदगी बचाने को लेकर, 41 जिंदगी जो अंदर फंसी हुई है उनको बचाने के लिए देखिए किस तरीके से ऑपरेशन चलाया गया है। ऑर्गन मशीन्स के इस्तेमाल से ड्रिलिंग की जा रही है और देखिए लगातार जो मशीन है उसका परीक्षण भी किया जा रहा है, समय समय पर उसका निरीक्षण किया जा रहा है। मशीन को लेकर के कहीं ना कहीं सेफ मोड पर नजर आ रही है टीम। सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन में विज्ञान और तकनीक के साथ आस्था का भी सहारा लिया जा रहा है। सुरंग के हादसे के बाद गुरुवार को बाबा बौखनाग देवता की डोली सिलक्यारा पहुंची। इस दौरान देवता की डोली सुरंग के पास स्थापित की गई। देवता की डोली ने सुरंग के अंदर फंसे सभी श्रमिकों के सकुशल बाहर निकलने का आशीर्वाद भी दिया। तो गुरुवार को तीसरी बार सिलक्यारा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी यहां पर हाथ जोड़कर कामना की है, सफल रेस्क्यू के लिए प्रार्थना की है। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि टनल के अधिकारियों ने पिछले दिनों बाबा बौखनाग बाबा का मंदिर हटा दिया था, जिसके बाद 13 दिन पहले 41 श्रमिक जो टनल में फंस गए थे, लेकिन सभी सुरक्षित है, ये राहत भरी खबर है। फिलहाल जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जद्दोजहद की जा रही है, फिर सभी लोगों ने बाबा बौखनाग का मंदिर टनल के बाहर स्थापित कर दिया है और बाबा बौखनाग का देवता की डोली ने यहां पर आकर सबको आशीर्वाद दिया है, संकेत दिए कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, श्रमिक सकुशल बाहर आएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं कि भगवान बौखनाग सब मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल दे और सभी माँ बहनें यहाँ पे भाई लोग सब आ रखे हैं, यही विनती करके आ रहे हैं कि सब मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकाला जाए। और जितने हमारे यहाँ देख रहे हैं कि बहुत दूर दूर से यहाँ मशीनें आ रखी है, कहीं पे कोई मशीन खराब हो गई, कहीं पे यही तो देवता का प्रकोप होता है और क्या है, नहीं तो नीचे से तो मशीन सुरक्षित आ रही, रास्ते में ऐसे क्या हो रहा है। और जहाँ जहाँ इन देवताओं का स्थान है वहीं वहीं मशीन भी खराब हो रही है। नीचे यहाँ पे भी हमारे विश्वाराणा का स्थान है, वहाँ पे एक मशीन खराब हुई, फिर आधा रास्ते में दूसरी मशीन खराब हुई। इसका मतलब यही तो है कि हमारा देवी देवता का यहाँ पे बहुत मान्यता है। तो ये देवता जैसे आज कह दिया तो क्या क्या लग रहा है आपको? हाँ, हमको तो अपने बाबा बौखनाग पे पूरा विश्वास है। कब तक निकलेंगे ये लोग? निकल जाएंगे, शाम को निकलेंगे, कल निकलेंगे, पर निकल जाएंगे। जब उसने दम दे दिया तो पूरा भी कर ही देगा अपना वादा। वही टनल हादसे पर एनडीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अड़चनों को दूर किया जा रहा है। एनडीएमए की तरफ से कहा गया है 4 से 5 मीटर घंटे के हिसाब से काम लगातार निरंतर हो रहा है, अभी 17 से 20 मीटर तक का बचा हो सकता है कार्य। और एनडीएमए की तरफ से कहा गया है प्रेस वार्ता के दौरान, और 6 मीटर के पाइप डाले जा रहे हैं
और ये ऑपरेशन एक लड़ाई की तरह लिया जा रहा है, एक मुहिम है 41 जिंदगियों को बचाने को लेकर और सभी मजदूर टनल में सुरक्षित है, ये राहत भरी खबर है। एनडीएमए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और देखिए किस तरीके से तमाम चीजों का जिक्र यहां पर किया गया है। एनडीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कहा गया कि कहीं ना कहीं मुहिम है, ह्यूमन एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए वो सब अंदर भेजा गया है। आइसोलेशन एक चीज आइसोलेशन होती है जिससे मानसिक असर होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, उसको भी दूर करने के लिए साइकोसोशल काउंसलर्स वहां लाए गए हैं। और अब क्योंकि कम्युनिकेशन बन गया है प्रॉपर, पहले तो एक क्रूड कम्युनिकेशन मेगाफोन के जरिए और पाइप के जरिए था, अब तो लाइन के जरिए वो कम्युनिकेशन बन गया है और डायरेक्ट बात हो रही है वहां से। तो उसके वजह से साइको सोशल काउंसलर्स जो है उन्होंने उनसे बात भी की है वर्कर्स के साथ। ये भी वहां पर देखा गया है और चीज उनका मेडिकल चेकअप होगा और कोई सीरियस केसेस है तो उनको एयरलिफ्ट करके वहां पर उत्तराखंड गवर्नमेंट के अपने एविएशन रिसोर्सेज हैं, इंडियन एयरफोर्स को रेजोल्यूशन दिया गया है, कन्फर्म रेजोल्यूशन है कि वो जल्द से जल्द वहां पर आ सकते हैं हवाई जहाज लेकर हेलीकॉप्टर लेकर उनको ऋषिकेश के ऑर्डिनेंस इंस्टीट्यूट में ले जाया जाएगा। बाकियों के लिए जहां तक मैं काउंट कर रहा हूं 41 एम्बुलेंस शायद वहां पर आ गई है, मतलब हर वर्कर के लिए एक एम्बुलेंस। और खबर पर जानकारी देने के लिए संवाददाता अरविंद नौटियाल हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अरविंद देखिए जिस तरीके से एक तरफ जहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, आज 13वां दिन है, लेकिन इस बीच आश्चर्य वाली खबर यह है कि लगातार लोगों की जो कहीं ना कहीं सोच है वो ये जा रही है कि बाबा बौखटाक बाबा का मंदिर जो हटा दिया गया कहीं ना कहीं उसके प्रकोप की वजह से ये हुआ है, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के प्रति जो लोगों की बड़ी श्रद्धा रहती है और जो देश विदेश के जो लोग हैं उसी देवभूमि के प्रति जो आस्था है उसको लेकर यहाँ आते हैं। यही बद्री केदार है, गंगोत्री यमुनोत्री है। और आपको साथ ही बता दूं कि जहाँ पर ये टनल बन रही है ये यमुनोत्री है, यहाँ पे बाबा जो बोकनाग है उसकी धरती है, यहाँ पर कहीं ना कहीं इन देवी देवताओं की शक्ति होती है। और जहां तक मैं बात करूं टनल की, तो जब ये बाबा बोखनाथ का जो ये मंदिर है उसी के ठीक नीचे इस टनल का निर्माण चल रहा है, और जब इसका निर्माण चल रहा था तो उस समय जो यहाँ के स्थानीय जो लोग थे उन्होंने पहले ही कंपनी के लोगों को कहा था कि पहले यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा की जाए जिसकी ये धरती है, लेकिन कंपनी के जो लोग थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और कहीं ना कहीं देवी देवताओं का ये प्रकोप देखने को भी मिला और जिसके कारण जो आज ये लोग हैं ये फंसे हुए हैं। जो महिला भक्त है उन्होंने साफ साफ कहा है कि यहाँ पर जब पहले भी कई बार बात हुई थी तो उन्होंने एक अस्थायी छोटा सा एक मंदिर बनाया और मंदिर बनाने के बाद उसे हटा दिया जिसका प्रकोप ये देखने को मिला। तो बड़ी मुश्किल से जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने देवी देवताओं को मनाया, बाबा भोग नाग है उस देवता को मनाया और मनाने के बाद कल वहां पर जो बाबा भोगनाथ है वो डोली को लेकर वहां पहुंचे और कहते हैं कि जो देवी देवता है तुरंत माफ भी कर देते हैं। और कल उन्होंने वहां पर सबको आशीर्वाद भी दिया और आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो टनल के बगल में जो अस्थायी मंदिर है उसके सामने गए और पूजा अर्चना की, जो प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री और टिहरी के जो और उत्तरकाशी के जो प्रभारी मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल वो भी वहां पर गए और उन्होंने पूजा अर्चना की। यानी गांव के जो स्थानीय लोग थे काफी संख्या में वहां पर पहुंचे और सीएम धामी ने वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद टनल में गए और जो मजदूर थे उनसे बात की। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि देवी देवताओं की जो प्रति जो आस्था है वो कहीं ना कहीं लोगों के निश्चित तौर पर अरविंद और बाबा बौखनाग की डोली भी पहुंची और कहने का ये सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर यही कामना करते हुए नजर आए कि जल्द से जल्द ये जो 41 जिंदगियां फंसी हुई है ये बाहर निकले। लेकिन इस बीच आपसे जानकारी चाहूंगी, ऑपरेशन जो की लगातार जारी है, आज का दिन कितना अहम रहने वाला है? जी जहां तक जो 41 जो श्रमिक हैं जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं वो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उसका जो प्लेटफॉर्म है उसको बनाने में कम से कम 5 से 6 घंटे का समय लगता है।
और जैसे ही ये जो प्लेटफॉर्म है ये बन जाएगा, उसके बाद जो ड्रिलिंग का काम शुरू होगा, जैसे ही ड्रिलिंग का काम शुरू होगा तो ड्रिलिंग के काम के शुरू होने के ही बाद जिस तरह से काम तेजी से चलेगा उसी तरह से जो ये फंसे हुए श्रमिक है उनका रेस्क्यू किया जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो टनल के अंदर जिस तरह से भी कार्य तेजी से होगा या जिस तरह से भी काम चलेगा उसी के आधार पर श्रमिकों का रेस्क्यू किया जाएगा। तो हम मान सकते हैं कि अगर मशीन आज काम करती है तो आज दिन या शाम तक इन 41 जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जा सकता है। निश्चित तौर पर अरविंद, और मैं चाहूंगी कि आप पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों को दे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे बड़ी खबर, उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, डीजी एनडीआरएफ अतुल कर्णवाल का बयान इस बीच सामने आया है, सभी मजदूर ठीक हैं। अतुल कर्णवाल की तरफ से कहा गया है मजदूरों को गर्म खाना दिया जा रहा है। देखिए लगातार प्रबंध भी किए जा रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार एक तरफ जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो देखिए एम्बुलेंस स्टैंड बाय मोड पर नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ अस्पताल में भी 41 बेड जो है वहां पर तैयार किए जा चुके हैं, डॉक्टर्स पहुंच चुके हैं। किसी भी वक्त जब 41 जिंदगियां बाहर आते हैं तो उन्हें यदि किसी इमरजेंसी की कंडीशन में जरूरत पड़ती है तो इन सभी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। और ऑपरेशन टनल 41 जिंदगियों को लेकर ये लगातार जारी है, जद्दोजहद लगातार की जा रही है। ऑगर मशीन्स के इस्तेमाल से यहां पर ड्रिलिंग की जा रही है, सुरंग में फंसे 41 जिंदगियों को बचाने का ये पूरा प्रयास है। प्रॉपर मिल रहा है, अब तो गर्म खाना भी पहुंच रहा है, तो ये सारी चीजें जो हैं उनको एक आशा दे रही हैं कि एक ऑपरेशन जल्दी खत्म हो जाएगा और वो जल्दी बाहर आ पाएंगे। मैं थोड़ा तीन तक गिन रहा हूं क्योंकि उधर हम चाहेंगे पाइप थोड़ा आगे तक निकल जाए, क्योंकि कई बार मलबे कैच अगर अनस्टेबल है तो दोबारा बंद नहीं हो। हम दुआ करें, जो भी हम बिलीव करते हैं किसी शक्ति में, दुआ करें कि रात तक ये पूरा हो पाएगा। सीएम धामी ने मजदूरों की सुरक्षा के लिए एक ही पूजा, टनल के बाहर बने मंदिर के सामने पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। तो देखिए हाथ जोड़कर यहां पर कामना करते हुए नजर आए हैं कि किसी तरीके से जो अंदर 41 जिंदगियां हैं वो सकुशल बाहर निकले, और इसको लेकर के यहां पर प्रार्थना करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और इस बीच टनल हादसे पर सरकार की पैनी नजर है। उत्तरकाशी में सीएम धामी ने हालात का जायजा भी लिया और मंत्री वीके सिंह ने भी हालात की जानकारी ली है। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, सीएम धामी की तरफ से निर्देश दिए गए। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जो देखिए एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार हालातों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे, जानकारी लेते हुए नजर आ रहे, और दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहे जहां मंत्री वीके सिंह भी पहुंचकर वहां पर जानकारी लेते हुए पूरा हाल जानते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार देखिए सरकार का ये प्रयास है, सरकार की पैरी नजर इस पूरे हादसे को लेकर बनी हुई है। किसी तरीके से 41 जिंदगियां जो अंदर फंसी हुई हैं, 41 मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरीके से सकुशल बाहर निकाला जाए, इसको लेकर लगातार निर्देश उनकी तरफ से भी दिया जा रहा है। पैनी नजर बनी हुई है और कहीं ना कहीं जद्दोजहद भी लगातार जारी है। उन सभी को जो व्यवस्था है वो मुहैया करवाना, चाहे वो खाना भेजना हो या अन्य पदार्थ भेजना हो, लगातार जारी है। उत्तरकाशी टनल हादसे पर सीएम की लगातार नजर बनी हुई। उत्तरकाशी में सीएम धामी ने मजदूरों से बातचीत भी की है वॉकी टॉकी के माध्यम से, वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों का हालचाल जाना है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से यहां पर बातचीत करते हुए वॉकी टॉकी के माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं, उन सभी का मनोबल बढ़ाते हुए, उनका ढांढस बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा समय नहीं है आप तक पहुंचने में और बहुत जल्द सभी को बाहर निकाला जाएगा, ये कहीं ना कहीं उन सभी को सुनिश्चित कराते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रही है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, जो देखिए एम्बुलेंस भी स्टैंड बाय मोड पर नजर आ रही है, पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की। वही जम्मू कश्मीर के राजौरी